नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अडानी हिंडनबर्ग मामले में शुक्रवार का दिन काफी अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से पूछा कि उसने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मद्देनजर बाजार में अस्थिरता की जाँच के लिए क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी को सभी 24 मामलों में जांच पूरी करनी चाहिए और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ कानून के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि हमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने सेबी से जांच करने को कहा। वहीं सेबी ने कहा कि वो जांच के लिए अब और समय नहीं मांगेगी। बता दें, केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी जांच करने के लिए कहा था, लेकिन सेबी अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। सेबी की ओर से अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने के कारण बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उसमें अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भौतिकतावाद, साम्यवाद और पूंजीवाद से ठोकर खाई दुनिया को भारत खुशी और संतुष्टि की राह दिखाएगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित 3rd विश्व हिंदू कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भागवत ने हिंदुओं से अन्य हिंदुओं और दुनिया से भी जुड़ने की अपील की है। इस सम्मेलन में उन्होंने दुनिया भर से आए विचारकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं और उद्यमियों को संबोधित किया है। भागवत ने कहा कि कोविड के बाद दुनिया की सोच बदलने लगी। शायद उनकी सर्वसम्मत सोच ये रही है कि भारत रास्ता दिखलाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हो गए। इसके बाद आज यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शहीद कैप्टन के माता पिता को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। चेक सौंपने का वीडियो चर्चा में बना हुआ है। दरअसल मंत्री जी चेक सौंपते हुए फोटो खिंचवा रहे थे और इस दौरान शहीद की मां रोते हुए कह रही है कि मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरे प्यारे बेटे को बुला दो, मेरी दुनिया खत्म हो गई है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। इसको लेकर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि प्रदर्शन ना लगाओ कहकर मां गमगीन होकर गुहार लगा रही है, फिर भी मंत्री अपना फोटो सेशन जारी रखते हैं, ये कैसी बेशर्मी है। शहीद परिवार को कैमरे के बिना शांति से शोक मनाने भी नहीं देंगे, हृदयहीन है। कांग्रेस ने भी वीडियो साझा किया है और लिखा है, गिद्ध। राजस्थान में वोटिंग से एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सचिन पायलट का एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया है। राजनीतिक पंडित गहलोत द्वारा सचिन पायलट का शेयर किए गए वीडियो के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुर्जर पर जो दांव खेला था, उसी की काट के तौर पर यह वीडियो जारी किया गया है। गहलोत गुर्जर वोट को साधने के लिए पायलट को ढाल के तौर पर यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए वीडियो को साझा किया गया है। गहलोत द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले गहलोत और पायलट के साथ में पोस्टर्स लगाए गए थे और दोनों लोग साथ में बैठे दिखाई दिए। वहीं पीएम मोदी का आखिरी दिन फोकस गुर्जर वोटों पर रहा था। पीएम मोदी ने राजेश पायलट का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा था, जिसके बाद सचिन पायलट ने जवाब दिया। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी को वापस लेने का फैसला किया है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाली पूर्व कर्नाटक सरकार ने डीके शिवकुमार के खिलाफ मामला सीबीआई को सौंप दिया था। मौजूदा कर्नाटक सरकार ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच को रद्द करने के लिए राज्य गृह विभाग द्वारा पेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक कैबिनेट का यह फैसला तब आया है जब करीब एक महीने पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर को शिवकुमार के खिलाफ जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया था और सीबीआई को 2020 में शुरू हुई जांच को 3 महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया था। उत्तरकाशी में बचाव अभियान में तकनीकी खराबी आने की वजह से देरी हो रही है। रिपोर्ट है कि गुरुवार को जब बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में था तो जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन लगी हुई है उसमें कुछ दरार आ गई, इससे अभियान को रोकना पड़ा। अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड की सिलिकारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए बचाव का प्रयास शुक्रवार को 13वें दिन भी युद्ध स्तर पर जारी है। बचाव कार्य में लगे अधिकारियों ने कहा है कि बचाव दल श्रमिकों को वापस लाने के लिए मार्ग ढूंढने से सिर्फ कुछ मीटर ही दूर है। श्रमिकों के लिए सुरंग के बाहर एम्बुलेंस इंतजार कर रही है और फंसे हुए मजदूरों के लिए ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में आईसीयू बेड बनाए गए हैं। कतर में फांसी की सजा पाए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों के लिए एक राहत की खबर है। कतर की एक अदालत ने 9 नवंबर को भारत सरकार द्वारा दायर अपील को गुरुवार को स्वीकार कर लिया है। माना जा रहा है कि इस मामले की पड़ताल करने के बाद अदालत सुनवाई के लिए तारीख तय करेगी।
मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि अदालत ने कहा है कि वो अपील का अध्ययन कर रहे हैं। भारत का विदेश मंत्रालय इस मामले में रिहाई के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ है। अक्टूबर के महीने में कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी। वो 1 साल से अधिक समय से वहां हिरासत में थे। अफगानिस्तान ने दिल्ली में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। इसने करीब 2 महीने पहले ही इसका संचालन बंद कर दिया था। अफगानिस्तान दूतावास ने दूतावास को बंद करने के पीछे का कारण भारत सरकार से लगातार चुनौतियों को बताया है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनजे द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास को भारत सरकार की लगातार चुनौतियों के कारण 23 नवंबर 2023 से नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करने पर खेद है। इसराइल और हमास के बीच बंधकों को लेकर हुई डील के तहत तय हुआ 4 दिन का अस्थायी युद्ध विराम लागू हो गया है। कतर ने बताया है कि शुक्रवार को स्थानीय समय अनुसार शाम 4 बजे हमास 13 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। जो डील हुई है उसके मुताबिक हमास इसराइल के 50 बंधकों को छोड़ेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चे होंगे। वही इसराइल फिलिस्तीन के 150 कैदियों को इजरायली जेल से रिहा करेगा, जिसमें महिलाएं और किशोर लड़के शामिल होंगे। अस्थायी युद्ध विराम की आधिकारिक शुरुआत से कुछ समय पहले इसराइल के मिलिट्री ने सोशल मीडिया पर गजा के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में गजा के लोगों से कहा गया है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इसराइल की मिलिट्री के प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने इस वीडियो के संदेश में अरबी भाषा में अपनी बात रखी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।